हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पार्टी का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, और इसके अलावे आज हम लोग एक और चीज़ का डिस्कस करेंगे, कैसे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, हाउ टू जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो सेल है वो सेल कैसे डिवाइड होता है, कैसे मेल गैमिट बनता है। यानी आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेल गैमिट के फॉर्मेशन को लेकर के रहेगा कि मेल गैमिट आखिर बनता कैसे है, ठीक है। और ये आज मैं क्लास नहीं जा पाया, इसलिए ये वीडियो जो है आपको घर पे ही बना करके मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत मज़े से इंजॉय कीजिए और लास्ट तक देखिए। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, आज तुम लोग का टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो कि आप देख पा रहे होंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मतलब कि मेल गैमिट का बनना, नर युग्मक का बनना। शायद आप पुराने लेक्चर में पढ़ चुके थे परागकण के बारे में, कि परागकण के अंदर शुरुआती दौर में एक ही कोशिका होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिंगल सेल है। लेकिन इस कोशिका में, एक कोशिका वाला जो परागकण है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। जब ये समसूत्री विभाजन होता है तो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक बड़ी सी कोशिका जिसे हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, एक छोटी सी कोशिका जिसे हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं। परागण के बाद जो है वो जो परागकण है ये अब दो कोशिका वाली बन गई। दो कोशिका वाली परागकण में क्या हुआ कि कुछ ऐसे पौधे हैं, करीबन करीबन 60% से लगभग लगभग 60% ऐसे आवृतबीजी पौधे हैं जिनके परागकण जो हैं वो परागण के बाद जो है नरयुग्मक का निर्माण करते हैं, और 40% ऐसे हैं जो परागण के पहले नरयुग्मकों का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक कोशिका वाले परागकण दो कोशिका वाले परागकण में बदले, और दो कोशिका वाले परागकण क्या हुआ कि अगर ये परागकण में परागण मतलब ये वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित नहीं हुआ, तब क्या होता है कि जब ये वर्तिकाग्र पर नहीं जाता है तो इसके अंदर जो छोटी वाली जो कोशिका जिसे हम लोग जेनरेटिव सेल जनन कोशिका कहते हैं, ये जनन कोशिका में बंटवारा होता है, वो भी समसूत्री, यहाँ पर लिखा हुआ है माइटोसिस इन GC, जेनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा। तो छोटी वाली कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, जैसे ही समसूत्री होगा तो कुल मिलाकर के आप लास्टली यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुल मिलाकर के दो नरयुग्मक बन रहे हैं, और एक जो बड़ी वाली कोशिका पहले से यहाँ पे अवेलेबल थी वो बड़ी वाली कोशिका है वैसे ही। तो छोटी वाली कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ तो कुल मिला करके दो नरयुग्मक और एक पहले वाली कोशिका, यानी तीन कोशिका वाला संरत परागकण बना। तो ये 3-celled पॉलन ग्रेन कहलाएगा, तीन कोशिका वाला परागकण। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, तीन कोशिका वाला परागकण कब बनता है, परागण के पहले, परागण के बाद, इनमें से कोई नहीं, या दोनों? तो आपने मारना परागण के पहले। लेकिन कुछ पौधे में, करीबन अभी मैं बताया कि 60% जो है ऐसे आवृतबीजी पौधे हैं जिसमें परागण के बाद नरयुग्मक का निर्माण होता है, मतलब कि ये परागकण पराग कोष से निकल करके, और ये मादा जनन भाग आप देख पा रहे होंगे, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो मादा जनन भाग के सबसे ऊपरी भाग पर स्टिग्मा के ऊपर ये परागकण चला जाता है परागण के दौरान। जैसे जाता है तो इसका परागकण का जो बाहरी आवरण जिसे हम लोग एग्जाइन कहते हैं वो फट जाता है, लास्टली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जाइन ब्रस्ट हो जा रहा है, और इसका अंदर वाला जो लेयर है जिसे हम लोग इंटाइन नाम देते हैं, ये इंटाइन एक लंबी सी पतली नली में बदलती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये लंबी सी पतली नली, ये लंबी पतली नली कहलाती है पॉलन ट्यूब, पराग नली। इस पराग नली में जो बड़ी वाली कोशिका है कुछ समय बाद ये डिजेनरेट हो जाती है, इसीलिए लिख दिया गया वीसी होगा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल डिजेनरेट यानी गायब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि छोटी वाली कोशिका में अभी आपने देखा जीसी, जिसे में क्या होगा समसूत्री, जैसे समसूत्री तो कितनी कोशिका, दो कोशिकाओं का निर्माण, तो दो नरयुग्मक बन रहे हैं। तो नरयुग्मक बन रहा है किससे भाई, परागकण के जनन कोशिका से। परागकण के जनन कोशिका से नरयुग्मक का निर्माण होना क्या कहलाएगा, नरयुग्मक उद्भिद का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो परागण के पहले नहीं तो परागण के बाद। तो शायद आप ये पूरे बात को समझ पा रहे होंगे कि एक कोशिका वाला परागकण दो कोशिका वाले परागकण में बदला, दो कोशिका वाला परागकण जो है इसकी दो स्थितियां, परागण के पहले अगर देखा जाए तो कुछ पौधे में लगभग 40% आवृतबीजी में परागण के पहले नरयुग्मक बनते हैं, और 60%
आवृतबीजियों में परागण के बाद नर युग्म बनते हैं। तो मुख्य रूप से बात ही पूरा का पूरा ये है कि नर युग्म का निर्माण होना है, वो भी किससे? जनन कोशिका से। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग सीखने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। शायद इस गुरु बीजाणु जनन को सीखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा लघु बीजाणु जनन, जिसके अंतर्गत आप पराक्कन बनते हुए देख पाए थे। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से पराक्कन बना था। यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन है, ये मादा जनन तंत्र से संबंधित भाग है। शायद ये डायग्राम आप देख पाए होंगे, ये ऊपर वाला जो है जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, ये स्टाइल, और नीचे ये ओवरी। ओवरी के अंदर देखेंगे तो एक खास कोशिका मिलेगा जिसे हम लोग आर्कियोस्पोरियल सेल कहते हैं। इस आर्कियोस्पोरियल जो सेल है, इस आर्कियोस्पोरियल सेल में समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो कोशिका बनती है, PPC और PSC, प्राइमरी पेरिएटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणु कोशिका। तो जो PPC है, इस PPC में लगातार, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, PPC में लगातार बंटवारा होता है। तो PPC में लगातार बंटवारा हुआ तो देखिए चारों तरफ से बहुत सारी कोशिका बन गई, और PSC रूपांतरित हो जाता है और बदल जाता है मेगा स्पोर मदर सेल में। मेगा स्पोर मदर सेल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये वाली जो कोशिका है, मेगा स्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है? बंटवारा होता है, वो भी मियोसिस फर्स्ट। पहला बंटवारा में इसमें पहला बंटवारा हुआ, दो चरण में मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस फर्स्ट हुआ इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, तो दो कोशिका बना जिसे हम लोग डायार्ड बोले, और इस डायार्ड वाली कोशिका में भी दोनों कोशिका में फिर से बंटवारा हुआ मियोसिस सेकंड यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ तो कुल मिलाकर के चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया हम लोग शायद लघु बीजाणु में भी पढ़ चुके थे कि चार लघु बीजाणु बनता था, उस प्रकार चार गुरु बीजाणु भी बना। लेकिन गुरु बीजाणु में एक खास चीज़ यहाँ पर देखने के लिए ये मिलता है कि बनता तो है भाई चार गुरु बीजाणु, लेकिन उनमें से तीन गुरु बीजाणु जो है वो नीचे की ओर नष्ट हो जाते हैं। देखिए ये जो तीन नज़र आ रहे हैं, ये तीन नष्ट हो चुके हैं, पर कितना है भाई इसमें? चार, इसमें चार नज़र आ रहे हैं, इसमें है जो है एक बचा हुआ है, तीन मर गया। तो तीन गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, एक गुरु बीजाणु कार्यशील होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल में, एक मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो उससे कितना गुरु बीजाणु बना? लास्टली तो एक ही बना ना। आपको ये किसी व्यक्ति के चार बच्चे थे, लेकिन किसी कारण से, अफसोस किसी कारण से, उनमें से तीन की मृत्यु हो गई। तो उससे यदि पूछा जाए कि भाई आपके कितने बच्चे, तो क्या वो चार और पूरी कहानी बताएगा? नहीं, वो डायरेक्टली बोलेगा कि मेरे एक बच्चे। तो ठीक उसी तरीके से हम बोलेंगे कि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होता है भाई? तो एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से केवल एक गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। हालांकि अगर डिस्क्रिप्टिव रहे, लिखने का बात बोलेगा, तो लिखने में आप बताएंगे कि चार गुरु बीजाणु बनता है जिनमें से तीन गुरु बीजाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं और केवल एक गुरु बीजाणु कार्यशील रह पाता है। तो पूरा का पूरा ओवरऑल हम ये सीख पा रहे हैं कि अंडाशय में जो गुरु बीजाणुधानी है, उस गुरु बीजाणुधानी के अंतर्गत एक कोशिका पाई जा रही होती है जिसे हम लोग गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, और इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये चारों गुरु बीजाणु जो हैं वो होते हैं आगुणित, यानी आपका होगा एन। ये चारों गुरु बीजाणु एन होंगे, आगुणित होंगे। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे क्या है मुख्य रूप से, कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं का बनना गुरु बीजाणु जनन का है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत अगर परेशानी या जो प्रॉब्लम हुआ होगा तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना भूलें ना। और आपका
जो भी कमेंट करे, आप बताएं कि आपको कौन सा नया टॉपिक के बारे में सीखना है और कैसा ये वीडियो लगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पर। बायोलॉजी बाटिका आपका हमेशा स्वागत है।